हाय गाई सो दिस इज आर डिस्क्लेमर बिकॉज दिस वीडियो गाना बी आ सीट एंड टॉक वीडियो तो कहीं आप लोग बोर ना हो जाओ तो थोड़ा सा वीडियो को फास्ट चलाने के लिए आप वन पॉइंट टू फाइव पे आप इसको देख सकते हो तो थोड़ा ज़्यादा मजा आएगा आप लोगों को सुनने में क्योंकि देखने वाला चीज़ तो यहाँ पे और कुछ होने वाला नहीं सिर्फ बातें ही होने वाली है तो चलो वीडियो को स्टार्ट करम बैक टू मैन आ वीडियो कैसे हो आप लोग आई होप सो यू ऑल आर डूइंग ग्रेट ओके सो फर्स्ट जस्ट क्लेम और लाइक मुझे मुझे बोलने में ना थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है uh, मैं बताती हूँ क्यों बट आई नो आप लोग बहुत ज़्यादा अपसेट भी हो गए कि लाइक like, इतने दिन हो गए आई थिंक ऑलमोस्ट लॉन्ग वीडियो डाले हुए मुझे टू वीक्स हो चुके हैं एंड आई हैव सम माई पर्सनल रीजन ऑल्सो एंड दूसरा और भी रीजंस हैं तो चलो आज मैं आप लोगों के साथ लाइक like, इट्स मोर लाइक सीट एंड चिल वीडियो तो चलो करते हैं बट ना आ, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आज का जो ये जो जो भी मैं बोलने वाली हूँ आज मैं यही मेनली वीडियो बनाने वाली थी बट थोड़ा सा और भी अच्छा मैंने सोचा था ना कि मैं आ, जो ध्वजादारी पहाड़ है ना बिल्कुल ट्रैकिंग करके ऊपर बिल्कुल टॉप पे जाकर आ, आप लोगों के साथ एक अच्छे अच्छे व्यू के साथ मैं बात करूं। बट आज सुबह से ना मुझे मतलब मैं क्या बोलूं? ओके okay, सो so बात है ना कि आ, कल मैंने मतलब काफ़ी दिनों के बाद आ, ये थ्रेडिंग एंड वगैरह करवाया है एंड मेरा लाइक एब्रोज वगैरह तो बिल्कुल परफेक्ट हुआ है बट लुक एट दिस आपको ना कुछ कुछ इधर इस एरिया में दिख रहा होगा लाइक like, uh, कुछ ऐसा दाग सा दिख रहा होगा सो बेसिकली ना मैंने वैक्सीन कराया है मतलब ऑपरली मैं हमेशा वैक्सीन ही करवाती हूँ बट माय oh, गॉड oh, <laughs> मेरा फर्स्ट टाइम लाइफ में ना मतलब मैं तो हमेशा सुनती थी कि रेसेस हो जाते हैं ये हो जाते हैं बट आई डोंट नो क्या हुआ है बट इट लिटरली इतना दूर ना बिल्कुल ये पूरा एरिया मतलब छिल चुका है मेरा एंड इट्स लाइक पेन भी नहीं मतलब जिसको जलना कहते हैं ना वैसा हो रहा है मतलब मैंने एलोवेरा और थोड़ा ठंडा बर्फ से सब कुछ कर रखा है बट इट डजेंट वर्क एंड आज सुबह मतलब मैं जब उठी तो मेरा तो मतलब मुँह भी नहीं खुल रहा था मतलब मुँह खोलने में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था बट धीरे धीरे क्योंकि सुबह से भी तो फिर तो थोड़ा थोड़ा बोलते बोलते इट्स लाइक like, uh, थोड़ा खुल रहा है मुंह। ओके सो दिस इज़ द रीज़न कि मैं थोड़ा धीरे धीरे बोल रही हूँ एंड ज़्यादा मुंह खोल के नहीं बोल पा रही हूँ एंड द सेकेंड थिंग कि इसीलिए मैं आज वहाँ नहीं जा पाई क्योंकि uh, लाइक क्योंकि कल तो मैं मेरा लेग डे भी था तो मैंने सोचा था कि ठीक है कल नहीं हम लोग जा पाए थे तो आज मैं वहाँ जाऊँगी थोड़ा सीढ़ियों पे चढ़कर उतना ऊपर जाऊंगी तो थोड़ा लेग वर्कआउट हो जाएगा बट uh, इतना ये पेन ही हो रहा था ना सुबह कि मुझे बिल्कुल भी मन नहीं किया एंड आई जस्ट ड्रॉप द प्लान बट कोई नहीं घर में ही बैठकर हम आपसे बात करेंगे ओके सो मेनी ऑफ यू वेयर आस्किंग मतलब अगर जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देती हूँ लाइक सेवेंटीन सेप्टेम्बर इज़ द वर्स्ट बट वॉस्ट uh, भी नहीं बोलूँगी मतलब uh, वो uh, मिलिंद का डेथ uh, 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 जो एनिवर्सरी होता है वो था तो इसलिए मैं थोड़ा सा ना उसके एक दो दिन पहले भी एंड लाइक वी एज अ फैमिली वी हैड दिस ब्रेक डाउन बहुत गंदा वाला हुआ था तो वी वे सो अपसेट एंड उस कंडीशन में ना बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था क्योंकि कि मैं किसी भी तरह का वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ बट जो भी थोड़ा बहुत शॉर्ट्स हो रहा था तो क्योंकि मैं शॉर्ट्स में भी उतनी रेगुलर अभी नहीं रह पा रही थी इसलिए मैं शॉर्ट्स भी एक दो डाल रही थी एंड सेवनटीन सेप्टेम्बर को बहुत लोगों ने पूछा कि उस दिन आ, आपने क्या किया आपने क्यों नहीं ब्लॉगिंग किया तो गैस मैं उस दिन सच बोलूँ तो मैं बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं करना चाहती थी आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मतलब बिल्कुल मन ही नहीं था उस दिन करने का बट चलो मैं आप लोगों से बताती हूँ कि मैंने आ, उस दिन क्या किया है एंड क्या क्या हुआ है उस दिन तो बेसिकली ना अभी आ, मेरे जो इन लॉज़ हैं मम्मी पापा मतलब उधर फुल फैमिली मम्मी पापा मयंग सपना सभी लोग आए हुए थे सेवेंटीन को यहाँ पे सो वी बेसिकली हैड दिस प्लान कि क्या क्या उस और चीज कर सकते हैं विच वुड बी लाइक हम सभी के दुखों में थोड़ी सी खुशियाँ uh, आ सकता है तो इसलिए वी थाट कि जहाँ पे मेरा बर्थडे uh, मैंने अपना मनाया था ना लास्ट टाइम यहाँ पे जो होली फैमिली में Uh, जो उसे आई डोंट नो ऑर्फिनेज भी नहीं है वो ओल्ड एज होम काइंड ऑफ चीज़ आप बोल सकती हो जिसमें बेसिकली बहुत सारी जो लेडीज़ ही वहाँ रहती हैं एंड उन लोगों का ख्याल रखने के लिए वहाँ पे जो सिस्टर होती हैं वो लोग रखती हैं and तो वी थाट कि हम लोग तो वहीं पे जाके करेंगे एंड लास्ट टाइम जब मैं अपने बर्थडे पे गई थी ना तो मैंने uh, उतना कुछ uh, नहीं जा मतलब मुझे नहीं पता मुझे बेसिकली वो लग रहा था कि वो एक ऑर्फिनेज है एंड या फिर ओल्ड एज होम है उस टाइप का चीज़ है तो मैं उसी के अकॉर्डिंग गई थी बट इस दिन uh, मैंने एक दिन पहले जाके सिस्टर से बात कर ली कि सिस्टर ऐसी सी बात है सो वी यू वॉन्टेड टू स्पेंड आवर डे विथ दैम सो वॉट एज वी कैन डू फॉर दैम क्योंकि ऐसे बेसिकली कुछ भी क्योंकि लास्ट टाइम लोग गए थे ना तो बहुत सारी ऑलमोस्ट सारी पेशेंट ही होती हैं आप यही समझ लो तो उसमें तो बहुत सारे लोग डायबिटीज़ थे एंड उन्होंने बहुत सारे ऐसे खाने हम लोग लेकर गए थे जो डायबिटीज पेशेंट नहीं खा सकते थे इसका हम लोगों ने प्रॉपरली ध्यान रखा था इसलिए भी आ, हम लोगों ने मिल में ना ये इडली सांभर चटनी लेकर गया था ताकि सभी तरह के पेशेंट इस चीज़ को खा सकें एंड हम लोगों ने सिस्टर से पूछा उन्होंने कहा कि मतलब कुछ सर्फ़ साबुन ये सारी चीज़ें होती है ना वो सारी चीज़ें हैं कि जिनकी ज़रूरत है तो हम लोग ने जितनी भी लेडीज़ थी ना उन सभी के लिए कुछ पहनने के लिए और साथ में खाने का तो हो गया एंड हेयर ऑयल सर्फ साबुन इस तरह की चीज़ें ले गए थे एंड वहाँ बहुत सारी छोटी छोटी बच्चियाँ भी रहती हैं जो कि ऑर्फेनेज नहीं हैं बट लाइक इस वो लाइक हॉस्टल में वो रहती हैं तो उन लोगों के साथ भी हम लोगों ने आ, उनके लिए छोटे छोटे बिस्किट का पैकेट लेकर गए थे एंड साथ में इडली एंड सांबर चटनी उन लोगों के लिए भी लेकर गए थे सो वी एज फैमिली हम लोग सभी लोग वहीं गए थे एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग ने वहाँ पे ही समय बिताया एंड uh, क्या होता है ना कि जब जब आप दुख होते हो ना तो uh, लोगों के जैसे खुशियाँ बांटने से बढ़ती है वैसे हैं, दुख बांटने से थोड़ा कम हो जाता है तो इसलिए वी ऑल वेट ऑल टुगेदर उस दिन तो ठीक लगा सब लोगों को आई नो सब लोगों के मन में क्या था दवा सीट पर मतलब कि सब लोगों के मन में आ, दुखी तो सभी लोग थे बट तो सब लोग एक दूसरे के लिए मतलब सब लोग एक दूसरे के लिए चेहरे पे स्माइल या फिर उस तरीके की कोई बातें नहीं करने की जिससे लोग अपसेट हो जाए सभी लोग यही कर रहे थे सो दिस इज़ हाउ इट्स स्पेंड क्योंकि मुझे आई डोंट नो गाई थोड़ा जज मत करना कुछ लोग रहते है हैं मुझे पता चला है ऑफकोर्स कि uh, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो वीडियो देख कर या फिर मुझे बड़ा सिंपत्ति uh, करते हैं कि यार के साथ ऐसा हो गया बट बैक बैक ब्लीचिंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं कि लाइक रे ये इतने ही दिन में ऐसी हो गई ऐसा करती है वैसा करती है लाल लिपस्टिक लगाती है ये आई नो uh, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं मुझे uh, मुझे लगता था बहुत लोग ऐसे हैं जो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं बट कुछ लोग अफकोर्स हैं एंड सोसाइटी में रह रहे हो तो ये चीज़ होना ही होना है तो वो सारी बातें मेरे लिए बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए इम्पॉर्टेंस सिर्फ मिलिंद ही है कि मिलिंद क्या सोचता है मिलिंद क्या करता है मिलिंद कैसा चाहता है कि मैं रहूँ मैं वैसी ही रहूँगी एंड बाकी uh, क्या बोलते हैं मुझे उससे कोई कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बिकॉज uh, जब उन कुछ भी क्योंकि होता है ना कि जब अपने पे जब चीजें आ जाती है ना तब चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आती है बट आई डोंट वॉन्ट कि ऐसा कुछ किसी के साथ हो एवरी वन वॉन्ट टू बी शुड बी हैप्पी ठीक है ओके एंड वन मोर थिंग लोग बोर तो नहीं हो रहा ना क्योंकि जस्ट मोर लाइक अ हार्ट टू हार्ट बोलने वाली चीजें क्योंकि ना कुछ दिन पहले मेरे माइंड में ना बहुत कुछ था आप लोगों के साथ आप लोगों के साथ सॉरी आप लोगों को बोलने के लिए बट अब रात में ना ग्यारह दो बजे नींद नहीं आ रही तो उसमें माइंड मारी कि अच्छा ये सारी चीज़ें थॉट मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है बट उस वक्त कुछ नहीं अच्छा सुबह उठ के सुबह उठ के इज़ लाइक like, ठीक है सब कुछ नॉर्मल हो जा रहा है तो अभी जो भी मेरे माइंड में है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ तो जिन लोगों ने पूछा था कि उस दिन हम लोगों ने क्या 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 किया तो ये किया एंड मैं कुछ भी ब्लॉग नहीं करना चाहती थी इसलिए तो मैंने कुछ भी ब्लॉग नहीं किया बट uh, हाँ जो बाकी लोग थे कुछ ना कुछ वीडियो सब लोग बना रहे थे तो जो जो हुआ थोड़ा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ उसकी स्क्रीन पे एंड मेरी जो सिचुएशन है मोस्ट ऑफ द पीपल से लाइक वी आर सो प्राउड दैट यू आर सो स्ट्रांग बट द आई डोंट नो मुझे नहीं पता कि स्ट्रॉन्ग uh, मैं इतनी या फिर इस ये चीज़ों को लेकर मैं इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हुई uh, क्या है नहीं है बट आई ट्रुली बिलीव कि इज जस्ट हीज लव जो उसने इतना सारा प्यार मुझे दिया है ना इतना सारा प्यार जिसको uh, मतलब मैं क्या बोलूँ मैं धीरे 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 उसके सारे प्यार वैसे मैंने स्टोर किया एंड धीरे धीरे उसको यूज़ कर रही हूँ So uh, that is the reason and uh बट ना आप हर समय स्ट्रांग नहीं हो पाते हो एवरी टाइम आप स्ट्रांग नहीं हो सकते हो क्योंकि अल्टीमेटली आप एक नॉर्मल से इंसान हो एंड ऐसा महात्मा भी नहीं हो कि uh, बहुत सारी ज्ञान है आपके अंदर कि आप मतलब वो सारी चीज़ें समटाइम ना आई रियली फील कि नो no, uh, मैं बहुत गुस्सा मुझे बहुत गु़स्सा आता है भगवान जी पे यार आई वॉन्ट माई लाइफ बैक कितना कितना अच्छा चल रहा था तो आई समाइम रियली आई फील कि नहीं मुझे ये स्ट्रांग स्ट्रांग नहीं बनना है मुझे अपना लाइफ वापस चाहिए जैसा मेरा लाइफ मिलिंद के साथ था मुझे वही लाइफ चाहिए वैसा ही चाहिए सो इट्स लाइक दैट बट सम फिर क्या होता है ना कि क्या ही मैं बोलूँ uh, मेरे लाइफ में ना कोई भी चीज़ बहुत ही नॉर्मल ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बहुत ही ड्रामेटिकली जो भी चीज़ें होती है ना बहुत ही ड्रामेटिक ड्रामेटिकली होती है तो मेरे भी लाइफ में जो लॉर्ड कृष्णा हैं वो uh, कृष्ण भगवान जब मेरे लाइफ में आए वो भी बहुत ही अफकोर्स ड्रामेटिकली हुआ एंड मुझे खुद भी नहीं पता चला कि कब क्या कैसे क्या हो गया ऐसे चीज़ों को लेके तो ऑफ uh, कोर्स दो पावर है दैट इज़ वन मिलिंद कल प्यार एंड दूसरा uh, हमारे जो कृष्ण भगवान हैं उनका प्यार तो दिस टू थिंग मेक्स मी स्ट्रॉगर बट समाइम आई रियली वॉन्ट टू गिव अप एंड बस बस्ट आउट हो जाती हूँ तो जब मैं बस्ट आउट होती हूँ ना तभी मतलब ठीक है ऐसे तो आप uh, कह सकते हो बट ना मेंटली इट्स वेरी डिफ़िकल्ट यार कि आप ऐसे स्टेबल हो सको एंड नॉर्मल लाइफ जैसा चल रहा है वैसे चला सको कुछ चीज़ें क्योंकि जब वीडियो आप बनाते हो ना तो आ, लगता होगा कि यार क्या ही बोलो क्या ही ना बोलो क्या मतलब इस टाइप ऑफ चीज़ की जो लोग देखते हैं उनको लगता होगा कि हाँ नॉर्मल है सारी चीज़ें ऐसे है बट उसमें भी दिमाग या फिर कंसंट्रेशन या फिर ये करना पड़ता है एंड आप कंसंट्रेटेड रहते हो दो तीन घंटे के लिए ऐसे बाकी नॉर्मल लाइफ ना क्योंकि आपके सामने और भी कोई है जैसे मम्मी हो गए पापा हो गए या फिर कोई भी हो गया तो उनको देख के लगा कि नहीं आप ऐसे नहीं रह सकते हो क्योंकि आ, छोड़ो ये सारी बहुत ही डीप बातें हैं आ, जो कि ऑफकोर्स इट्स बिटवीन मी एंड हिम कि क्या हम लोग ने क्या सोचा था कि क्या करना है क्या नहीं करना है मुझे पता है मैं बस यही चाहती हूँ कि जो भी हमारी जो रेस्ट बची हुई ड्रीम थी जो हम दोनों का था जो मेरा खुद का था जो उसका था जो हम दोनों का साथ में था मुझे कोशिश यही करना है कि मैं उस चीज़ को पूरी कर सकूँ हूँ बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें भी नहीं हैं कि वो सारी चीज़ों में भी बहुत सारा समय लगेगा बट जो छोटी छोटी चीज़ें मैं अपनी तरफ से कर सकती हूँ मैं वो हर चीज़ करना चाहती हूँ अपने फैमिली के लिए दोनों फैमिली के लिए एंड बहुत लोग बोलते हैं कि लाइक आप आँ... कितनी ब्लेस्ड हो आ, या फिर कि आपके इतने अच्छे इन लॉज़ हैं सो so, टच वुड वुड यहाँ पे वुड है तो मैं इसको टच वुड करके बोल रही हूँ कि ऑफकोर्स इसमें कोई आ, वो दोहराई वाली बात नहीं है कि आई गॉट द बेस्ट इन लॉज बेस्ट मतलब बेस्ट मैं बोल सकती हूँ मतलब जितना मैं उनके लिए सोचती हूँ ना उतना ही उस उतना ही उससे ज़्यादा वो लोग मेरे लिए सोचते हैं मेरे बारे में सोचते हैं क्योंकि अभी जो सिचुएशन ये वह इसमें पता नहीं होते होंगे अच्छे ऑफ़ हो गए होते हैं बट मोस्ट ऑफ पीपल ना आ, कुछ ऐसा नेगेटिव सोचते या फिर ये सारी चीज़ बट जितना वो लोग दिल से साफ है ना मतलब ना क्या बोलू, आ, तो ना आधी जो आ, जो मोटिवेट मोटिवेशन या फिर आ, थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनने का ना ये सारा एक रीज़न है कि आ, मेरे अंदर ना पहले बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ थी आ, मुझे लगता था कि यार इतना ज़्यादा प्यार करने वाले लोग कहाँ से मिलेंगे मुझे ऐसा बट देखो तो ये आ, एक अच्छा हस्बैंड एक अच्छा दोस्त एक अच्छा सोलमेट एक अच्छा इन लॉज एक अच्छी इन लॉज़ मिले मुझे सो ये ऑफकोर्स भगवान के दया से ही ये सारी चीज़ें मिली हैं तो भगवान पे ही बहुत पहले पता मैं ना चलो ये सारी बातें वैसे बाद में मैं करूँगी एंड मुझे पता लिटरली आप लोगों से बात करके ऐसा लग रहा है कि मैं मेरा आप लोगों में से कोई एक सामने हो एंड मेरी जो दिल की बातें हैं मैं वो सारी बातें आप लोगों से कर रही हूँ तो अच्छा लग रहा है एंड आई होप दो कि आपको भी अच्छा लग रहा हो एंड येज yeah मैं अपने हेल्थ पे थोड़ा सा अच्छे तरीके से हेल्थ uh, उसे क्या बोलते हैं ध्यान दे रही हूँ आई डोंट नो कोई डिफरेंस वैसे तो ज़्यादा कुछ नहीं यार आज तो आई थिंक टू वीक्स ही हुए हैं तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस दिखने वाला है नहीं बिकॉज आप, आपको एक अच्छा रिजल्ट दिखने के लिए एक हेल्थी रिजल्ट देखने के लिए मिनिमम थ्री मंथ्स तो आपको वेट करना ही पड़ेगा बट एंड इट्स रियली सो डिफ़िकल्ट हाँ अपने आप को बहुत मोटिवेट करने के लिए कि यार घर पर सब लोग ये खा रहा है बट मैं नहीं खा पा रही हूँ तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कभी कभी मन नहीं करता एक्सरसाइज तो करने का बट But... जाना पड़ता है क्योंकि जिम में जाने के बाद तो फिर सब कुछ ही भूल जाते हैं एंड आई रियली बिलीव एंड ट्रूली बिलीव कि जिम में ना लाइक स्ट्रेस बस्टर होता है तो आई रियली लविंग दिस जिम वाला चीज़ एंड आई डोंट नो मुझे तो हल्का हल्का लग रहा है थोड़ा थोड़ा ज़्यादा नहीं थोड़ा थोड़ा क्योंकि मेरा मम्मी से मम्मी मेरा मुँह छोटा लग रहा है क्या ये वो बिकॉज uh, जब मैं वेट लूज़ करती हूँ ना तो सबसे ज़्यादा लाइक uh, like, मेरा जो फेस होता है वही पहले सबसे ज़्यादा छोटा होता है उसके बाद फिर बाकी बॉडीज पर वर्क करता है बट कोई नहीं वी विल वेट एंड आई विल देखो पता है मैं एक और बता दूँ कि ना मैं ऐसा कोई प्रॉपर डाइटिंग या ये वो नहीं कर रही क्योंकि मैंने इससे पहले भी दो बार वेट लूज़ किया हुआ है एंड ऑफकोर्स इट वॉज बिकॉज ऑफ द क्रैश डाइटिंग जिसमें ना लाइक वन मंथ में या डेढ़ महीने में मैं मतलब पंद्रह सोलह के जी ऐसा वेट कम कर रही हूँ बट फिर वापस आने के बाद वैसे ही हो जा रही थी बट दिस टाइम आई डोंट वॉन्ट दैट मैं चाहती हूँ कि मैं uh, सब कुछ खाते पीते करूँ बट हाँ ये कोशिश है कि मैंने अभी टू uh, वीक्स हो गए हैं मेरे मैंने दो वीक में आई uh, थिंक सिर्फ एक दिन uh, कुछ चीनी का वो भी थोड़ा सा खाया था uh, वो एंड मैदा ये दो चीज़ मैंने बिल्कुल अवॉइड किया हुआ है एंड उसके अलावा बाकी चीज़ें जो बन रही हैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा हेल्दी हेल्दी खाऊँ ताकि थोड़ा तो डिफरेंस दिखे मेरे में ओके और आज ना मैंने बहुत ही अच्छा सा सॉट्स सोचा था कि मैं बनाऊँगी बट ये चेहरे के वजह से मैंने अभी ड्रॉप कर दिया बिकॉज़ इस चेहरे के साथ मैं बिल्कुल भी नहीं बना सकती हूँ एंड कैसा बिल्कुल से मुझे दिखने बड़ा अजीब लग, लग रहा है लग रहा है यहाँ कुछ ऐसा डार्क सा लग गया या फिर कुछ ब्लैक ब्लैक सा लग गया ऐसा लग रहा है बट आप लोग बताओ आप लोग कैसे हो ओके okay, सुनो so ना मुझे ना मेरा बड़ा मन है क्यूँ ए करने का बट अभी तो कुछ ऐसे खास सब्सक्राइबर्स है नहीं मेरे एंड बहुत ही कम लोग हैं जो लोग रिप्लाई या फिर ये करते तो कोई मतलब है नहीं अभी क्यों नहीं कर क्यों क्यू ए नहीं करने का बट आई होप सो कि कभी ना कभी मुझे, मुझे मौका मिलेगा सो होप सो एंड गाइस अगर किसी को भी पता हो कि ये रैसेस को कैसे ठीक करते हैं तो प्लीज़ कॉमेंट में करके बता दो आप लोग कि कैसे करना है एंड वन मोर अपडेट गाइज कि मैंने ना अभी Uh, से क्या कहते हैं अमेज़ोन से ना दो और क्योंकि मैंने एक शॉर्ट से डाला हुआ है अमेजोन से मैंने जो ओवर साइज़ टी शर्ट लिया है मैंने अभी दो और ऑर्डर किया है जिसमें से एक ये है जो कि मैंने पहना हुआ है दैट इज़ फ्रॉम ब्राउन टोन एंड एक ब्लैक में लिया है तो मैंने मैं ना आपको यहीं पर दिखा दूंगी क्योंकि अभी ना शॉर्ट्स में ये अपडेट आ गया है कि आप uh, मतलब अनलेस और अनटिल वो एक कोई प्रोमोशनल वीडियो ना हो आप uh, कोई भी ऐसा लिंक या फिर नहीं शेयर कर सकते ना ही डिस्क्रिप्शन में ना ही आप uh, मतलब शेयर नहीं कर सकती इसलिए मैं ये भी कर रही हूँ अगर आपको लेना घर पे ना इस तरीके कैटेगरी तो तो से खरीदा है एंड एक कैटेगरी से भी खरीदा वो मुझे बड़ा ही मस्त लग रहा है मैं वो आपको दिखाती हूँ कुछ देर में एंड अगर एक और चीज़ की लाइक वीडियो बनाने में प्रॉब्लम मतलब इतना लेट क्योंकि ना क्या मैं बोलूँ मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि लाइक दो हाँ जो मैंने एक प्रश्न बोला कि मेरी ना थोड़ी सी और uh, फिर से हॉर्मोन इम्बेलेंसिंग बहुत ज़्यादा वाला हो रहा है दूसरा बात है मतलब काफ़ी ना बिज़ी हो गया है ये लाइफ की अभी जिम जा रहे हो तो जिमिंग का तो जो टाइम है आने के बाद तो फिर कुछ भी नहीं हो पाता है दूसरी बात है लाइक आप अपना मील खुद बना रहे हो क्योंकि अगर आप कुछ थोड़ा घर वालों से अलग खा रहे हो तो वो हो जाता है दूसरा बात है मेरा ना भी आ, ये असाइनमेंट्स की मैं स्टडी भी कर रही हूँ एम भी कर रही हूँ तो उसके असाइनमेंट्स के टाइम आ गए हैं तो मुझे वो भी करना है एंड दिस टाइम असाइनमेंट बहुत ज़्यादा है मतलब तो जो सेकेंड ईयर का है वो भी है एंड फर्स्ट ईयर का भी एक दो बचा हुआ है क्योंकि उस वक्त तो मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं देवर उनकी शादी थी तो उस वक्त नहीं नहीं मैं नहीं ना पल्स में जॉइन कर रखा था ना तो मुझे उस वक्त मतलब जो उन्होंने प्रॉब्लम किया था तो बिल्कुल असाइनमेंट बनाने का टाइम ही नहीं मिल रहा था तो जो उस वक्त बना मैंने वो डाल दिया तो अभी बहुत ज़्यादा मतलब सुबह उठकर जो मैं लिखते रहती हूँ मतलब बिल्कुल पैक्ड है बिल्कुल पैक्ड मतलब ऐसा लगता है कि टाइम ही नहीं है बीच में ये मैं कुछ करूँ और दूसरी बात है कि मेरी मम्मी की ना थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है ठीक नहीं है इन सेंस कि बहुत लोग आजकल की लेडीज़ को ना स्पॉन्डलाइसिस होता है या फिर फ्रोजन ये नेक हो गया या फिर शोल्डर हो गया ये बहुत प्रॉब्लम हो रहा तो मम्मी को भी ये चीज़ है एंड फिर वो धीरे धीरे पैरों में भी आ गया तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हर टू वॉक या फिर डॉक्टर ने मना भी किया कि आप बहुत ज़्यादा देर ऐसे खड़ा होकर नहीं काम कर सकते झुक नहीं सकते तो वो सारा रीज़न भी हो जा रहा है कि फिर सुबह उठ लाइक like अभी तो एक दो दिन से मतलब ठीक है मम्मी का बट आई थिंक कभी से दस पंद्रह दिन से आई होप सो so, याद गया फिर दस दिन से मम्मी का वही हालत है तो इसलिए वो भी क्योंकि थोड़ा थोड़ा जो भी काम है वो भी करना पड़ता है साथ में तीन सारी चीज़ें मतलब क्या मैं बोलूँ दिमाग ना ऐसा लग रहा फट जाएगा और नेक्स्ट पॉइंट इज़ लाइक हाँ मैंने अभी अभी मतलब अभी ही मेरा मुझे अपना पार्सल मिला है मैंने बहुत ही प्यारा सा चीज़ मंगाया हुआ है एंड uh, वो अभी जब वो थोड़ा सा असम्बल हो जाएगा ना तभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी एंड uh, आप लोगों ने मेरा वो uh, जो मैंने डी आई वाई उसे क्या बोलते हैं पर्स जो बनाया था आपने देखा या नहीं देखा है बिकॉज बहुत मेहनत लगा बट एम जस्ट रियली इट एंड जिन लोगों को अच्छा लगा थैंक यू सो मच एंड गर्ज एक और चीज़ ठीक है मैं अपनी प्र, आ, मैंने जो इतना लेट लेट वीडियो डाला है ना उसको कंपनसेट कर रही हूँ ठीक है तो मैंने तो एक तो ये जो टी शर्ट लिया लिया है एंड एक और टी शर्ट मैंने जो लिया हुआ है सो so, मैं वो आप लोगों को दिखा देती हूँ एंड अगर किसी को वो चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताओ इट्स लाइक अ कंपनसेशन विथ यू एटलीस्ट वन ऑफ यू तो आपको जिसको भी चाहिए प्लीज़ कमेंट में बताओ कि सेंड मी करके ताकि मैं आप लोगों को वो भेज सकूँ इट्स टू अर्ली टू डू दिस गिव अवे इट्स नॉट अ गिव अवे बट इट्स अ सॉरी फ्रॉम मी टू यू तो अगर आप लोग में से अगर किसी को अच्छा लगता है एंड किसी को चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करो मैं आप लोगों को भेजूंगी वो चीज़ एंड वो टी शर्ट एंड गाइस पता है मुझे ना मतलब ऐसा बिल्कुल लग रहा है कि जिम जाने से कुछ हो ना हो बट मुझे अपना स्किन बहुत ही अच्छा लगने लगा है मैं लुक एट दिस ये चीज़ों को छोड़ के है ना तो ये बेस्ट पार्ट है एंड दूसरा बात है सुगर उसको तो छोड़ दोगे ना आप इट्स सो डिफ़िकल्ट मतलब मैं अभी कर रही हूँ इसलिए मैं ये बोल रही हूँ बट जब खाने की बारी आती है ना तो नहीं रह पाते बट अगर आपको रियली में स्किन अगर अच्छा करना है ना तो चीनी को तो बिल्कुल छोड़ ही दो आप मतलब वन सा वाइल आप खा सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इतनी जल्दी कोई भी चीज़ को छोड़ना इस क्वाइट डिफिकल्ट बट अगर, अगर आपको अच्छी स्किन चाहिए तो शुगर तो छोड़ना ही पड़ता है दिस इज़ दी टी शर्ट जिसमें यहाँ पे समथिंग कुछ तो बना हुआ है एंड इसका बैक भी बहुत ही प्रिटी है मतलब बिल्कुल ऐसे आपके जो स्पाइनल कोड है ना उस uh, उस पोजीशन uh, पे बहुत ही मस्त सा बना हुआ है तो दिस इज़ द फर्स्ट टी शर्ट एंड मैं ज़्यादा नीचे नहीं दिखा सकती बिकॉज मैंने शॉर्ट्स ही पहना हुआ है बट लुक एट दिस इसका लेंथ एंड सो दिस इज दी सेकेंड टी शर्ट जो मैं आपको गिव अवे कर सकती हूँ एंड दिस इज़ द ब्लैक टी शर्ट बिल्कुल ऐसा सा है एंड यहाँ पे एक बहुत ही क्यूट सा स्माइली बना हुआ है एंड इसका बैक इज इस सो गुड मतलब बिल्कुल बैक में स्माइली ही स्माइली बना हुआ है तो दैट्स इट गाइस तो ये दो है एंड तो ये दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ एंड दिस इज दी गिव अवे एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइज आई होप सो कि इतना लंबा टॉकिंग सो लाइक हमारा जो आज बना है आप लोगों को अच्छा लगा होगा एंड अगर अच्छा लगा होगा तो गिव अ थम्स अप अगेन मन है तो थोड़ा सा शेयर भी कर लेना तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो बाय <laughs> हम तो सब को जानता है। क्या? आ, परिवार में है ना तो इतना खुशी से ये तो हम लोग कड़ी है लेकिन दिल में और एक दुख है है कि नहीं तो लेकिन वो दुख सबको सब को हम लोग के पास दिखाते नहीं है लेकिन हम लोग के पास आए हैं है ना तो हम लोग रोज प्रार्थना करते हैं कि आपको